अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्किन पॉलिशिंग का तरीका बता रही हूँ, सेम वही जो पार्लर में अप्लाई होता है। इससे ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती है और उसमें ग्लो आ जाता है और फेयरनेस भी आ जाती है इंस्टेंटली। तो इसको करने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। सबसे पहले आप क्लिनजिंग मिल्क के साथ आप क्लिनजिंग कर लें अपने फेस की। सर्कुलर मोशन में आप इसको कीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक आप इसको क्लिनजिंग करने के बाद या तो स्पंज के साथ साफ कर लें या फिर उसको आप वॉश कर लें। इससे ये होगा कि जितनी भी जो ऑयल और डर्ट वगैरह है वो आपका स्किन से रिमूव हो जाएगा और स्किन में जो होते हैं डेड स्किन सेल्स जो होते हैं और जो डर्ट वगैरह होता है वो रिमूव हो जाएगा। तो जो हम अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पॉलिश उसका आपको रिजल्ट भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो फिर उसके बाद आपने करना यह है कि आपने ब्लीचिंग पाउडर ले लेना है 1 टीस्पून। ये आपको मैं पॉलिश के इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। ये मैंने माइल्ड वाला यूज़ किया है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून आपने सूदिंग लोशन ले लेना है। मैं सॉफ्ट टच वालों की सारी चीज़ें मैंने ली हैं। ये आप इसमें ऐड कर लीजिए। और इसके बाद आपने 1 टीस्पून ही आप इसमें आपने वॉल्यूम 20 लेना है। उसके बाद आपने लेना है बूस्टर लेना है आपने 1/2 टीस्पून। ये भी मैंने सॉफ्ट टच वालों का लिया है। आप कोई भी अच्छे सी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको सूट करती है। और उसके बाद आपने लेना है स्किन शाइनर, ये भी आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आप 1 टीस्पून विटामिन ई डाल दीजिए या एलिमेंट ऑयल डाल दीजिए। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप एक बॉयल में इसको डाल के सारी चीज़ों को आप इतने को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने 1/2 टीस्पून, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 1/2 टीस्पून आपने ड्राई मिल्क डाल देना है और अगर ड्राई स्किन है तो 1 टीस्पून आप इसमें डाल दें। और आपने विटामिन ई भी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं विटामिन ई। और अगर आपने फिर भी अगर आपने ऑयल डालना है तो आपने अगर ऑयली स्किन है तो 3-2 ड्रॉप्स आपने डाल दीजिए। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने 20 मिनट्स तक आपने इसको अप्लाई करना है फेस के ऊपर। 20 मिनट तक आप इसको लगा रहने दें। 20 मिनट तक आप लगा रहने देंगे तो इसके आपको बेहतर नतीजे हासिल होंगे। उसके बाद आपने स्क्रब करना है। आप ये उतार लीजिए 20 मिनट्स के बाद, फिर उसके बाद आपने स्क्रब करना है। आप होममेड स्क्रब भी बना सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स को आप थोड़ा सा क्रश कर लें और उसको फिर थोड़ा सा दूध डाल के आप उसमें और वो आप अप्लाई करें इसके ऊपर। या तो फिर आप रेडीमेड जो स्क्रब बाज़ार से मिलता है वो आप लगा लीजिए। इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद उसको आप वॉश करके आप इसके ऊपर आपने एंड में सबसे पहले आपने मड मास्क लगाना है। मड मास्क लगाना है आपने उसको ड्राई होने तक 5-10 मिनट्स मड मास्क लगा लेना चाहिए। आपका जो फेशियल भी हो गया ये, और आपकी स्किन पॉलिश जो है कम्प्लीट हो गई, यानी कि 1/2 आवर में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी टिप के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी पॉलिश कैसे रखी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।